मिल गए हैं बिल आखिर। ये मैं दो बार तीन बार यहाँ से गुजर के जा चुका हूँ। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, सैफ अली आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद करता हूँ कि आप खैर वाफियत से होंगे। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। तो दोस्तों, थंबनेल देखकर आपको पता चल गया होगा कि आज का व्लॉग क्या है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज दिन को जो है ना कि बहुत सख्त गर्मी थी और अभी जो है शाम का टाइम है, तो काफ़ी हवा चल रही है यहाँ पर, ठंडी हवा है, मौसम काफ़ी खुशगवार हो गया है। तो दिल चाहता है कि बंदा कहीं बाहर जाए और जो है ना बैठे, मौसम को थोड़ा सा इंजॉय कर ले। तो मैं अभी आया था, देखें ये बाहर, और एक चीज़ थी जिसकी मैंने आवाज़ सुनी है और मैं सोच रहा था कि आपको भी दिखा दूँ। ये देखें जो है ना, काफ़ी खूबसूरत जगह है, दरख्त हैं यहाँ पर, तो जी करता है कि यहाँ पर बंदा बैठे, हवा क्योंकि यहाँ पर बहुत अच्छी लगती है। तो अभी मैं आपको वो चीज़ दिखाता हूँ, ये करीब ही से आवाज़ आ रही थी, जाता हूँ अगर मिल जाती है तो। दोस्तों, यहाँ पर जो है मुझे एक चीज़ देखने को मिल रही थी और मैं काफ़ी टाइम से इसकी आवाज़ भी सुन रहा था, तो मुझे शक है इस पर यहाँ के, यहाँ पर इसने अंडे या बच्चे हैं इसके। तो चलिए यहाँ देखते हैं अभी के हैं या नहीं, आपको भी फिर दिखाता हूँ। और इसके अलावा यहाँ तीतर की भी अभी आवाज़ आ रही थी, शायद कि यहीं पर हों कहीं, क्योंकि अभी उनका भी सीज़न चल रहा है। तो चलिए ये परिंदा जो है ना आपको अनोखा सा दिखाता हूँ, अगर करीब जाने देता है तो। मैं जैसे ही इसके करीब जा रहा हूँ, ये तो दूर ही भागता जा रहा है। किधर जाते हैं, ये उड़ गया जी जनाब, इसे आप बंदा क्या बोले। चलें इसके अंडे दिखा देते हैं आपको, यहीं पर होंगे तकरीबन, क्योंकि ये जहाँ पर बोलता है ज़्यादातर मौजूद होता है, वहीं पर होते हैं इसके अंडे भी। तो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। दोस्तों, ये जो है नाम इस परिंदे को अपनी ज़ुबान में कहते हैं टटीरी, और उर्दू में मैं नहीं जानता कि क्या कहते हैं। तो अभी ये इसकी आवाज़ मैं सुन रहा था, तो अभी मैं आया हूँ इसे देखने के लिए, क्योंकि ये जहाँ पर ज़्यादातर मौजूद रहती है वहाँ पर इसने अंडे अंडे दिए होते हैं या इसके वहाँ पर बच्चे होते हैं। तो अभी मैं देखता हूँ और आपको भी दिखाता हूँ। तो दोस्तों, अभी मैं यहाँ पर ढूंढता हूँ कहीं पर, तकरीबन यहीं कहीं आसपास ही होंगे, तो अभी फिर आपको ढूंढ के दिखाता हूँ, क्योंकि इसका जो कलर होता है ना अंडों का, वो बहुत अजीब किस्म का होता है, ऐसे जो बिल्कुल मिट्टी की तरह होता है और पत्थर की तरह, समझ नहीं आती है क्या है क्या नहीं। तो चलिए आपको दिखाते हैं, ढूंढता हूँ पहले फिर दिखाता हूँ। ये देखें जी दोस्तों, मिल गए हैं बिल आखिर। ये मैं दो बार तीन बार यहाँ से गुजर के जा चुका हूँ, लेकिन ये ऐसे हैं कि नज़र आने का तो नाम ही नहीं ले रहे थे ना। ये देख सकते हैं कैसे हैं ये, इसे हम टटीरी के अंडे कहते हैं। तो ये कहाँ, ये यहाँ पर काफ़ी दिन से जो है ना शोर मचा रही थी, तो पहले तो मुझे नहीं पता था, लेकिन फिर बाद में पता चला कि ये जहाँ पर मौजूद होती है वहीं पर इसके अंडे होते हैं। तो अभी फिर मैंने ढूंढ ली है बिलाखिर। क्या अनोखी चीज़ है, यहाँ पर खुले आसमान के नीचे इसने, ये देखे खुले आसमान के नीचे जो है ना इसने अंडे दिए हैं। इतनी सख्त गर्मी होती है दिन को, इतनी सख्त के बंदा बाहर नहीं निकल सकता, और इसके अंडे जो है ना खुले आसमान के नीचे पड़े हुए हैं। और ये जो है ना देखें, सारा दिन धूप पर होती है बेचारी, तो अब इसे बंदा क्या बोले, कहीं छाँव में दे सकती थी, इतने दरख्त यहाँ पर मौजूद हैं। चलें, मर्ज़ी है इसकी, अब आप इसके मामले में दखल अंदाजी नहीं देते, फिर कैसे लगे ये अंडे। बिलाखिर मैंने ढूंढ लिए और आपको दिखा दिए। तो दोस्तों, मैं आज जो है ना आपको सिर्फ अंडे दिखा पाया, वो क्या है ना परिंदा जो है ना जो ये बहुत होशियार है, तो करीब जाने नहीं देता है, दूर से ही उड़ जाता है। देखे जैसे कि आपने देखा है, मैं करीब जा रहा था तो ये दूर से ही गायब हो गया है। तो मुझे इसका नाम भी जो है ना उर्दू में नहीं पता, अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में मुझे भी ज़रूर बता दीजिएगा, इल्म में इजाफा कर दीजिएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और साथ ही बेल आइकन के बटन को दबा लीजिए ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखिएगा मुझे।